नमस्कार दोस्तों, आरसी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा देखिए जूती डिज़ाइन लाई हूँ। ये दोनों पैरों में एक जैसी बनती है और बनाना भी बहुत आसान है और जल्दी बन के तैयार होती है। देखिए कितना खूबसूरत है। इस जूती को मैंने नीचे से ऊपर की तरफ बनाया है, यानी तले से ये बनती है और ऊपर की तरफ देखिए ये बॉर्डर बनाया है। ये मैंने 5 और 6 नंबर पे फुट साइज के लिए बनाया है। फंदे अधिक बढ़ाकर आप इसको 7 और 8 नंबर के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। इस खूबसूरत बूटी को बनाने के लिए मैंने वर्धमान का बेबी बुल लिया है और 10 नंबर की सिलाई। तो 10 नंबर की सिलाई पे हम 84 फंदे डालेंगे। फंदे डालने के लिए हम सिंगल धागा यूज़ करेंगे, डबल धागा यूज़ नहीं करेंगे। और जैसे जिस भी विधि से आपको फंदे डालने आता हो आप डाल सकते हैं। तो हम 84 फंदे डालेंगे। मैंने 84 फंदे डाल लिए हैं। अब पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और शेष सभी फंदों को हमें उल्टा बुनना है। सभी फंदों को हमें उल्टा बुनना है। तो पहली लाइन में मैंने सभी फंदों को उल्टा बुन दिया, लास्ट फंदे को हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से भी हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो दूसरे लाइन में भी मैंने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। देखिए दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनने से एक उल्टे फंदे की धारी आ गई है। तो इसी तरह हमें 7 धारी लानी है, यानी 14 लाइन बुनना है। तो 14 लाइन दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुन रहे मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स, मैंने 7 धारियाँ बना लिया है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और पीछे से भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 14 लाइन ये कंप्लीट हो गया है। 15वें लाइन में हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। तो पहले फंदे को ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे और स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और 4 फंदा उल्टा, 1, 2, 3 और 4 फंदा उल्टा। तो ये हो गया टोटल 5 फंदे। अब उन दूसरी ओर करेंगे और 2 फंदा हम सीधा बुनेंगे, 1, 2। तो पहला फंदा एज स्टिच है, उस इन्हीं 6 फंदों को हम पूरी सिलाई में दोहराएंगे। उन अपनी ओर 4 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, 4। उन दूसरी ओर 2 फंदा सीधा, उन अपनी ओर 4 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर 2 फंदा सीधा। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो 4 फंदा उल्टा और 2 फंदा सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब देखिए लास्ट में 5 फंदे बचे हैं। तो उन अपनी ओर 4 फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 फंदे सीधे हैं, तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर 2 फंदा उल्टा है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हम पूरी सिलाई में दोहराएंगे। उन दूसरी ओर 4 फंदा सीधा, उन अपनी ओर 2 फंदा उल्टा। तो इसी तरह हम पूरी लाइन
कंप्लीट कर लेंगे, तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए लास्ट में 5 फंदे बचे हैं, तो उन दूसरी ओर 4 फंदा सीधा और लास्ट फंदा इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम फिर सामने की तरफ आ गए हैं, तो हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 4 फंदा उल्टा बुनेंगे। उन दूसरी ओर करेंगे 2 फंदा सीधा, यानी जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुनेंगे, जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है हम उसे उल्टा बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 3 लाइन कंप्लीट हो चुका है। देखिए बॉर्डर के बाद 1, 2, 3 लाइन कंप्लीट हो चुका है और हम रॉन्ग साइड में हैं। तो यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर अटैच कर लेंगे और दूसरे कलर के वुल से हम सभी फंदे उल्टा बुनेंगे। दूसरे रंग के ऊन से ये पूरी लाइन उल्टी बुनी जाएगी। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स सभी फंदे उल्टे बुने जा चुके हैं। अब यहाँ पे हम अपना ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, अब ऊन अपनी ओर करेंगे और 4 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3 और 4। अब उन दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए ये जो 2 फंदे सीधे हैं तो इसके साइड में हम ये 3 लाइन है ना, 1, 2, 3, 3 लाइन नीचे आएंगे और एक लूप निकालेंगे। एक लूप निकाला, लूप को ऐसे सीधा करते हुए 22 लाइन में चढ़ा देंगे। अब इस लूप को और इस फंदे को दोनों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब इसी तरह दूसरे साइड भी हमें लूप निकालना है, तो 3 लाइन नीचे आएंगे और एक लूप निकालेंगे। लूप को 22 लाइन में चढ़ाएंगे और लूप को और फंदे को दोनों को एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। अब 4 फंदे उल्टे हैं, इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। चार फंदा उल्टा बुनने के बाद फिर ये 2 सीधे फंदे आ गए, तो इन सीधे फंदों के दोनों साइड में हमें लूप निकालना है। क्या करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और इस सीधे फंदे के 3 लाइन नीचे आएंगे, 1, 2, 3, 3 लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे और इसे 22 लाइन में ऐसे चढ़ा देंगे। फिर लूप को और फंदे को दोनों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना देंगे। अब दूसरे साइड भी हमें यही करना है, 3 लाइन नीचे आना है, एक लूप निकालना है, लूप को 22 लाइन में चढ़ाना है, लूप को और फंदे को दोनों को एक साथ लेना है, एक सीधा फंदा। फिर 4 फंदा उल्टा, अब देखिए उन दूसरी ओर, यहाँ पे फिर सीधे फंदे आ गए, तो 4 लाइन नीचे आएंगे, सॉरी 3 लाइन नीचे आएंगे, 1, 2, 3 और 3 लाइन नीचे आके सिलाई ऐसे डालेंगे, एक लूप निकालेंगे। लूप निकाला, लूप को ऐसे पलट के ऐसे सीधा डालेंगे और फिर अब लूप को और फंदे को दोनों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब दूसरी साइड भी हमें एक लूप निकालना है, फिर इसको ऐसे घुमा के हम ऐसे चढ़ाएंगे ताकि ये सीधा रहे। फिर फंदे को और लूप को दोनों को एक साथ देंगे, एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो देखिए 4 फंदा उल्टा और फिर 2 लूप, फिर 4 फंदा उल्टा, फिर 2 लूप। इसी तरह करते हुए हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इन्हीं 6 फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। लास्ट में 5 फंदे बचे हैं, तो 4 फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारा तो दूसरे रंग का ये तीसरा लाइन है। तो जो फंदा देखिए, ये 4 फंदे सीधे हैं, पहला फंदा स्लिप किया, 4 फंदे सीधे हैं, तो हम इन्हें सीधा बुन लेंगे। और ये डिज़ाइन के 2 फंदे उल्टे हैं, तो हम इन्हें उल्टा बुन लेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है, 4 फंदा सीधा और 2 फंदा उल्टा। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स दूसरे कलर के ऊन से ये 4th लाइन है, हम सामने की तरफ हैं। तो जो फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है उसे हम सीधा बुनेंगे
और जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये दो फंदे सीधे हैं, इन्हें हम सीधा बुनेंगे। ये चार फंदे उल्टे हैं तो इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। तो सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, दूसरे कलर के ऊन से चार लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और अब अपने पहले कलर के ऊन से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। जो सीधा है उसे भी उल्टा, जो उल्टा है उसे भी उल्टा। सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब ये हमारा दूसरा लाइन है तो दूसरे लाइन में डिजाइन बन रहा है। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, चार फंदा उल्टा। अब ऊन दूसरी ओर करेंगे, अब यहाँ पे हमारा डिजाइन बनेगा। तो हम देखिए तीन लाइन नीचे आएंगे, एक दो तीन, और यहाँ पे जो छेद दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे। लूप को ऐसे पलट के चढ़ाएंगे और लूप और फंदे को दोनों को एक साथ लेके एक सीधा फंदा बना लेंगे। इसे गिरा दिया। अब दूसरी साइड भी हमें लूप निकालना है। लूप निकाला, सिलाई पे चढ़ा दिया। अब लूप को और फंदे को दोनों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब पहले फंदे को छोड़कर इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। चार फंदा उल्टा बुनना है उन दूसरी ओर। अब इन दो फंदों के दोनों साइड से हमें लूप निकालना है और दोनों फंदों को लूप के साथ लेके सीधा बुन देना है। छह फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। फिर तीसरे लाइन में जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुनेंगे, जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुनेंगे। यानी इन्हीं चार लाइन को हम दोहराएंगे। और चौथी लाइन में जो फंदा सीधा दिखाई देगा उसे सीधा बुनेंगे और जो फंदा उल्टा दिखाई देगा उसे उल्टा बुनेंगे। फिर पांचवी लाइन से हमारा दूसरा कलर लगेगा और उस लाइन में हम, यानी दूसरे कलर के लगाने पे पहली लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो चार लाइन का डिजाइन है और इन्हीं चार लाइनों को दोहराते हुए देखिए हम दूसरे कलर के ऊन से हम तीन स्टेप बना लेंगे। देखिए एक स्ट्रिप, दो और तीन, तीन स्ट्रिप हम दूसरे कलर के ऊन से और तीन स्ट्रिप, एक दो तीन, तीन स्ट्रिप पहले कलर के ऊन से। यानी हमारा छह डिजाइन बन जाएगा। यानी कि चार लाइन का एक डिजाइन है तो छह चौबीस लाइन हमारा बन जाएगा। तो 24 लाइन बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दूसरे कलर के ऊन से भी हमारे तीन स्ट्रिप्स बन चुकी हैं, यानी कि छह डिज़ाइन ये बन चुका है और हम रॉन्ग साइड में हैं। तो अब इस कलर का ऊन का कोई काम नहीं है, तो इसे हम काट देंगे और गांठ लगा देंगे। अब हम अपने पहले कलर के ऊन से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। और इस धागे को ऐसे लपेटते जाएंगे ताकि ये इसी में बंध जाए। तो हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया है और अब हम सामने की तरफ हैं। अब हम इस जूती का बॉर्डर बनाएंगे। देखिए हमने यहाँ तक बुन लिया है, अब हमें जूती का बॉर्डर बनाना है। तो इसके लिए 84 फंदों को हम तीन भागों में बांटेंगे। 24 फंदे इधर हैं, 24 फंदे इधर हैं और बीच में हैं 36 फंदे, 24, 24 और 36। तो पहले फंदे को हम ऐसे नीट वाइज स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और फिर 23 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। यानी ये टोटल हमारे 24 फंदे हो जाएंगे। हमारे 24 फंदे यहाँ तक हैं, यानी ये हम जो हमने मार्कर लगा है यहाँ तक के सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 24 फंदों को हमने उल्टा बुन लिया है, मार्कर के पास हम आ गए हैं। अब इसे हम इस साइड में कर लेंगे और अब दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनेंगे। दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनेंगे।
दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह हम ये दूसरे मार्कर तक यानी बीच के 36 फंदों को हम दो दो एक साथ लेके उल्टा बुनेंगे। दो एक साथ लिया और उल्टा बुन लिया, तो 36 फंदे थे। दो एक साथ लेके उल्टा बुनने से ये हो जाएंगे 18 यानी 18 स्टिचेस। दो एक साथ लिया, उल्टा बुन लिया, तो इस तरह हमारे बीच में 18 फंदे रह जाएंगे। ये हमने 36 फंदों को दो का एक कर लिया, अब ये बीच में 18 फंदे रह गए हैं। अब इस मार्कर को हम दूसरी साइड में ले लेंगे और फिर ये शेष 24 फंदे हैं उनको हम नॉर्मली उल्टा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो मैं इतना बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम फिर सामने की तरफ आ गए हैं, तो इन 24 फंदों को हम बुन लेंगे। अब हम दोनों तरफ से सिर्फ उल्टा उल्टा ही बुन के पर्दा तैयार करेंगे। तो 24 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। ये फ्रेंड्स, साइड के 24 फंदों को हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दिया है। अब मार्कर को हम दूसरी तरफ ले लेंगे और बीच के ये 18 फंदे रह गए हैं, तो इन्हें अब फिर दो दो लेके एक साथ बुनेंगे। दो लिया, उल्टा बुन लिया, तो दो लिया, उल्टा बुन लिया, फिर दो फंदों को एक साथ लिया और उल्टा बुन लिया, तो दो दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुन लेंगे। तो बीच में 18 फंदे थे और दो दो एक साथ लेके उल्टा बुनने से अब हो जाएंगे 9 फंदे यानी 9 स्टिचेस। अब बीच में ये हमारे 9 फंदे हो गए। अब फिर हम मार्कर को इस साइड में करेंगे और साइड के 24 फंदों को हम उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से भी हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो इतना बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम फिर सामने की तरफ आ गए हैं, तो हम 24 फंदों को हम बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, साइड के 24 फंदों को हमने बुन लिया और हम मार्कर के पास आ गए हैं, तो अब इस मार्कर को हम हटा देंगे। अब दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुन लेंगे। दो का एक किया, दो का एक किया, दो का एक किया, दो का एक किया, और देखिए अब ये एक ही फंदा बचा है, तो एक फंदा दूसरी साइड से हम ले लेंगे, मार्कर को हटा देंगे, दूसरी साइड से ले लेंगे और फिर दो का एक कर देंगे। अब साइड में 23 फंदे बचे हैं, तो हम इनको उल्टा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से भी सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम फिर सामने की तरफ आ गए हैं और इस समय सिलाई पे 42 तो हम इन सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से भी इन 52 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। दोनों साइड से हम एक लाइन और उल्टा बुनेंगे यानी हम 4 धारी बनाएंगे, हम 4 धारी का बॉर्डर बनाएंगे। तो इन सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से भी सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो इतना करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 धारी दोनों तरफ से हो गया है, 1 2 3 4 4 सामने की तरफ से और 1 2 3 और 4 4 पीछे की तरफ से। तो अब इस लाइन में हम सभी फंदों को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे, फिर इसे चढ़ाएंगे, दो फंदों को लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक, इसे बाईस लाइन में चढ़ाएंगे, एक फंदा और ले लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। देखिए हमारे फंदे क्लोज होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह करते हुए हम सारे फंदों को क्लोज कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदे क्लोज हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करेंगे, इसमें से हम गोले को निकाल लेंगे
और इसे ऐसे कस देंगे। अब इस धागे को थोड़ा सा हम लंबा काटेंगे क्योंकि इससे हमें सिलाई करनी है। फ्रेंड्स, हमारा जूती तैयार है। इसे हम अब यहाँ से यहाँ तक हमें सिलना है और हमारी जूती तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इसे पहले उल्टा कर लेंगे, थ्रेड को सुई में डाल लेंगे और फिर यहाँ से हम सिलना शुरू करेंगे। यहाँ से सिलते हुए हम इस साइड पे आएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ एक दो बार ऐसे कर लेंगे क्योंकि यहाँ से जब हम अपना पैर डालते हैं तो कटने का डर रहता है, एड़ी से रगड़ का के ये कटने का डर रहता है। तो यहाँ पे हम एक दो बार करेंगे, उसके बाद देखिए ये जो हमारा एज स्टिच है इसमें एक बार इस साइड से डालेंगे और एक बार इस साइड से, ऐसे प्रत्येक एज स्टिच में एक बार इधर से डालिए, या फिर अगर आपको इस तरह सुविधा होती है तो ऐसे भी आप सिलाई कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जूती बनके तैयार है। देखिए कितना खूबसूरत है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।